नमस्कार, आइए कोरिलेशन के कुछ और मेथड्स की आज बात करते हैं। कोरिलेशन में एक होता है बाईसीरियल कोरिलेशन और एक होता है पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन। एक होता है बाईसीरियल कोरिलेशन और पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन। अभी तक हमने जो कोरिलेशन के दो मेथड्स पढ़े हैं, उन दो मेथड्स में क्या होता है कि हमारे पास डेटा या तो रैंक में होना चाहिए, तो हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन निकाल लेते हैं, या हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल पर डेटा होना चाहिए, हमारे पास स्कोर्स होते हैं, एक वेरिएबल पर दूसरे वेरिएबल पर स्कोर्स होते हैं, और उन स्कोर्स के बीच में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो कोरिलेशन कहलाता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल कंटिन्यूस डेटा होता है और दूसरा वेरिएबल डाइकोटोमस डेटा होता है। डाइकोटोमस डेटा क्या होता है, दो भाग में बांट देते हैं, मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ डेटा। केवल या तो डेटा हमारे पास एक हिस्से का होगा, जैसे मेल और फीमेल, ये डाइकोटोमस डिवीजन है ना, रूरल और अर्बन, ये डाइकोटोमस है, ठीक है, और पास और फेल, ये डाइकोटोमस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये डाइकोटोमस भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फोर्स्ड डाइकोटोमस डेटा और एक होता है ट्रू डाइकोटोमस डेटा। फोर्स्ड डाइकोटोमस डेटा क्या होता है, फोर्स्ड का मतलब वैसे तो कंटिन्यूस वेरिएबल था, वो हमने उसको डाइकोटोमस में चेंज कर दिया। जैसे पास और फेल का जो हम बात कर रहे हैं, तो पास और फेल का कोई स्कोर होगा हमारे पास, जिसमें हमने कहा कि जिसके 40 से कम नंबर हैं या 33 से कम नंबर हैं वो फेल है, और 33 से या इससे ज़्यादा नंबर हैं वो पास है। तो 33 से ऊपर वालों का सबका हमारे पास और 33 से नीचे वालों का सबका हमारे पास कंटिन्यूस डेटा के तौर पर डेटा था। लेकिन हमने क्या किया कि फोर्सफुली उसको दो हिस्सों में बांट दिया कि ये बच्चे 33 से ऊपर वाले पास और 33 से नीचे वाले फेल है ना। तो ये फोर्स्ड डाइकोटोमस डेटा होता है। लेकिन अगर डेटा हमारे पास इस तरीके से है कि मेल और फीमेल, तो फिर ये फोर्स नहीं है, ये नेचुरल, ये ट्रू डाइकोटोमस डेटा है। तो इसी के आधार पर ये पॉइंट बाईसीरियल और बाईसीरियल में डिफरेंस होता है। बाईसीरियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वन कंटीन्यूअस एंड वन फोर्स्ड डाइकोटोमस वेरिएबल। एक वेरिएबल हमारे पास कंटीन्यूअस होता है, जैसे मार्क्स, जैसे हमने कहा कि मार्क्स इन रिटन टेस्ट, ये कंटीन्यूअस डेटा है। दूसरा है पास फेल इन इंटरव्यू। इंटरव्यू हमने दो, आपने देखा होगा सिलेक्शन दो लेवल्स पे होते हैं है ना, दो तीन लेवल्स पे होते हैं। जैसे हम पहले स्क्रीनिंग कर लेते हैं किसी बेसिस पे, फिर कुछ लोगों को रिटन टेस्ट में बुलाते हैं, रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब जो बच्चे रिटन टेस्ट में पास हो गए और इंटरव्यू में कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इंटरव्यू में रिटन, जो रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं उनमें और इंटरव्यू में पास फेल होने में कोई कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है कोई, तो हम बाईसीरियल कोरिलेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं मार्क्स इन रिटन टेस्ट, ये कंटिन्यूस डेटा है, और पास इन फेल इन इंटरव्यू, ये फोर्स्ड डाइकोटोमस डेटा है। अब इन दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है एक तरीके का, यहाँ फर्क क्या है, ये कंटिन्यूस डेटा है और इसको पास फेल को, पास को हमने वन दे दिया, जीरो दे दिया, फेल को ऐसे कर दिया, तो ये वन एंड जीरो असाइन कर दिया, तो यहाँ पे भी डेटा हमारे पास हो गया। तो इन दोनों डेटा के बीच में कोरिलेशन निकालना है, इसलिए ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है। तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, और बाईसीरियल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक यहाँ पर जो वेरिएबल है वो फोर्स्ड डाइकोटोमस डेटा है, इसलिए बाईसीरियल कोरिलेशन कहा जाता है। ये कैसे निकालते हैं, एम पी माइनस एम क्यू, मीन पी माइनस मीन क्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इन टू पी क्यू अपॉन वाई। यहाँ इनका मतलब क्या है ये जान लीजिए। देखिए, एम का मतलब मीन है, मीन पी, पी का मतलब हुआ कि पी ग्रुप, हमने डाइकोटोमस डिस्ट्रीब्यूशन किया ना स्टूडेंट्स का, तो एक ग्रुप, एक डाइकोटोमस के दो हिस्से हो गए, एक पास का और एक फेल का, ठीक है। तो अगर हमने वन पास को रख माना, जो वाई, जो वन साइन किया है वो पास को किया और जीरो फेल को किया, तो वाई पे वन वन जिनको भी मिला उनका सब इंडिविजुअल्स का, उन सब इंडिविजुअल्स का ये जो कंटिन्यूस डेटा है, जहाँ पे जो एक्स है,
मार्क्स एंड रिटन टेस्ट है, इस पर मीन क्या होगा? तो वो वाला मीन आ जाएगा इस पर मीन, ठीक है। दूसरा एम क्यू, अब बाकी के जो बच्चे जो फेल हो गए, जिनको जीरो मिला वाई वेरिएबल पे, वो फेल कहलाए, उनको जीरो साइन किया हमने। तो जो फेल हुए बच्चे उनके रिटन टेस्ट में मार्क्स का मीन क्या था वो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा है? मार्क्स इन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के मार्क्स का जो एस डी आर वो हम यहाँ पे रखते हैं इन टू पी क्यू। PQ क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन Y1 एंड Y2। मान लीजिए कि 40% बच्चे पास हो गए, है ना, तो उनको मिला Y1, और 60% बच्चे फेल हो गए, या वाई से वर्षा 60% पास हो गए और 40% फेल हो गए, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो जो पास हो गए उनको Y1 कहा हमने ग्रुप को, तो पास होने वाले 60 और फेल होने वाले 40, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में अगर एक में से अनुपात निकाला जाए तो ये हो गया 0.6 एंड 0.4। तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 0.4, ठीक है, अपॉन वाई। ये वाई क्या है? वाई है वाई है हाइट ऑफ एनपीसी ऑन ऑर्डिनेट डिवाइडिंग पीक्यू। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% केसेस इधर हैं, ये जीरो सिग्मा हो गया, 50% केसेस इधर हैं और 50% केसेस इधर हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उसमें 60% बच्चे पास हुए, तो इसका मतलब 10% अगर इसमें से और ले लें हम, तो ये यहाँ पे जो Z आएगा, ठीक है, ये हो गए यहाँ से यहाँ तक के ये 60% हो गए, और यहां से यहां तक के ये 40%। तो जिस लाइन, जिस जेड स्कोर पे ये जो प्रोपोर्शन है उसका जो जेड स्कोर यहां पे आएगा, है ना, सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर आएगा, इस बिंदु से और इसका हाइट, ये हाइट ऑफ एनपीसी कहलाता है फाई ऑर्डिनेट, हाइट ऑफ एनपीसी ऑन फाई ऑर्डिनेट। तो ये जो 60% का मतलब ये यहाँ पे 10% हमें देखना है, 10%। तो ये 10% जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये मिलेगा 0.25 सिग्मा पे, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0.25 सिग्मा होगी। तो अब 0.25 सिग्मा के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये हाइट ऑफ एन कर एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑन ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट, ये करके एक टेबल आपको स्टैटिस्टिक्स की किताब में मिलेगी, उसमें आप 0.25 सिग्मा पे हाइट देखेंगे। तो इस किताब में मैं देखता हूँ कि हाइट क्या है इस एग्जांपल के तौर पे। तो इस बुक में एक टेबल दी गई है, टेबल का नाम मैं आपको बताता हूँ, इस टेबल का नाम है ऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र की कोटियां। तो देखिए अगर आप इस किताब को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 0.25 पे देखना है, तो 0.2 ये हो गया और 0.5 ये आ गया, 0.25 3867। तो इस केस में फाइव की वैल्यू हो जाएगी 0.3867, ये वैल्यू यहाँ पे फाइव की वैल्यू रखती है, और इसके बाद हमारा ये फिर इसके बाद सॉल्व कर लीजिए सिंपली। तो आप जिसको इस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बाई सीरियल कोरिलेशन या आर बी बाई सीरियल कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्या होता है, ये भी इसी तरीके का है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में क्या है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वन कंटिन्यूस एंड वन फोर्स डायकोटोमस। यहाँ पे क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वन कंटिन्यूस एंड वन ट्रू डायकोटोमस वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रू डायकोटोमस और फोर्स डायकोटोमस में क्या फर्क होता है। ट्रू डायकोटोमस वो होता है जो कंटिन्यूस वेरिएबल बेसिकली था ही नहीं, जैसे मेल फीमेल, जैसे रूरल अर्बन, है ना, पास फेल तो कंटिन्यूस वेरिएबल था, हमने उसमें एक लाइन की थी कि 33% से नीचे वाले फेल, 33% या इससे ऊपर वाले पास, तो वो तो बेसिकली कंटिन्यूस डेटा था, हमने जानबूझ करके फोर्सफुल्ली उसको दो हिस्सों में बांटा। यहाँ पे हमने फोर्सफुल्ली नहीं बांटा, जैसे
मार्क्स इन इंग्लिश हम बात करें तो ये कंटिन्यूस डेटा हो गया, और ये ट्रू डायकोटोमस डेटा हो गया मेल एंड फीमेल। रूरल अर्बन ट्रू डायकोटोमस है, मेल फीमेल ट्रू डायकोटोमस है, मतलब डायकोटोमस द्विविभाजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर पी का मतलब पॉइंट बाय सीरियल, बी आई एस तो आएगा ही, पी और लग जाएगा इसमें। ये भी एक प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है कंटिन्यूस है, और ये वाई वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो डायकोटोमस है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, एम पी माइनस एम क्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इन टू अंडर रूट पी क्यू। यहाँ पे इन सब का मतलब वही है जो यहाँ पे था। एम पी का मतलब क्या हुआ, दो ग्रुप है हमारे पास पी एंड क्यू। अगर हम पी मेल को मान लेते हैं तो पी कहलाएगा मेल, और फीमेल को मान लेते हैं तो फीमेल को पी कहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल किसी समूह में 40 मेल थे और 60 फीमेल थे, ठीक है। ये मेल था, मेल का नंबर था, और ये फीमेल का नंबर था, ठीक है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए। तो इन 40 लोगों को हमने कहा पी, मान लीजिए हमने इनको नाम दे दिया पी और इनको नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो इनके पी मतलब इन 40 का एक्स वेरिएबल पे मीन, मतलब इंग्लिश के मार्क्स हम इन 40 लोगों के लेंगे और उनका मीन आएगा वो एम पी कहलाएगा। महिलाओं के 60 विद्यार्थियों के नाम वो स्कोर्स लेंगे और इनका मीन निकालेंगे तो मीन क्यू कहलाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, सारे कंटिन्यूस डेटा है उस पर जो मार्क्स हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहलाएगा। और इन टू अंडर रूट पी क्यू, पी क्यू का क्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया पी का मतलब 4 और क्यू का मतलब 0.6। तो इन टू 0.4 इंटू 0.6 ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब जो भी यहाँ पे रेशियो आपको मिलेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एम पी इज इक्वल टू मीन ऑन कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल पर मीन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ फर्स्ट डायकोटोमस ग्रुप। मान लीजिए फर्स्ट डायकोटोमस ग्रुप एम, हमने इसको पी नाम दिया। इसी तरीके से मीन ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल ऑफ इंडिविजुअल्स इन सेकेंड डायकोटोमस ग्रुप, ये सेकेंड डायकोटोमस ग्रुप हो गया फीमेल का, तो फीमेल के मार्क्स का इंग्लिश में जो नंबर हैं उनका मीन और मेल के मार्क्स का इंग्लिश में मार्क्स का मीन, ये एम पी और एम क्यू कहलाएंगे अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंग्लिश के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स इन दी कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल में जो स्कोर है वो जो वैल्यूज हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। और पी क्यू ये रेशियो हो गया, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन टू डायकोटोमस ग्रुप्स, टू डायकोटोमस ग्रुप्स, या और हम एक वर्ड जोड़ सकते हैं ट्रू डायकोटोमस ग्रुप्स, है ना, क्योंकि ये ट्रू डायकोटोमी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो दो समूह है इनके बीच में पी क्यू, तो इसका पी कहलाएगा, मतलब एक में से कितना होगा, 100 में से 40 और 60, तो एक में से 0.4 एंड 0.6, ये एक में से निकालना होगा हमें जब भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू करेंगे, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कहलाएगी। तो आपको रिसर्च में कई बार ऐसा होता है कि आपको कोरिलेशन निकालना पड़ता है कि जेंडर और उनके अचीवमेंट में कोरिलेशन निकालना है, ठीक है, जेंडर या उनके किसी और कंटिन्यूस वेरिएबल कोई भी हो सकता है उसमें कोरिलेशन निकालना है। एक तरफ रूरल अर्बन है और उन रूरल अर्बन लोगों बच्चे हैं जो सैंपल है आपका, उनका किसी कंटिन्यूस वेरिएबल के जो स्कोर है उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है तो पॉइंट बाइसिकल लगेगा। और अगर आपने पास फेल या ऐसा कोई डेटा लिया है जहाँ पे आपने फोर्सफुली डायकोटोमस डेटा बनाया है, ठीक है, तो वो डेटा अगर इस तरीके का है तो इसमें बायसिरल कोरिलेशन, तो इस तरीके से कोरिलेशन निकाल सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स पे जो आपके पास स्कोर्स हों वो कंटिन्यूस डेटा में ही हो, आपके पास कंटिन्यूस में नहीं है, दोनों में भी कंटिन्यूस में नहीं है, एक में भी कंटिन्यूस वेरिएबल पे नहीं है, तब भी आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए और मेथड्स हैं जिनकी मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।